हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए सिल्वर जोन ओलंपियाड से सिल्वर जोन इंटरनेशनल स्टीम इनोवेशन ओलंपियाड क्लास फर्स्ट के बारे में जानकारी एंड सैंपल पेपर लेकर आई हूँ। साथ ही इसमें आप सिलेबस भी देखेंगे। चलिए इसके हम जानते हैं सिलेबस एंड सैंपल पेपर। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप इसके पूरे डिटेल्स देख सकते हैं। चलिए सिल्वर स्ट्रीम ओलंपियाड क्लास फर्स्ट के हम सिलेबस देखते हैं और फिर इसके सैंपल पेपर हम देखेंगे। इस ओलंपियाड में कहा जाता है कि जीनियस आर नॉट बॉर्न आर मेड, यानी जीनियस को हम बनाते हैं, ऐसा सिल्वर जोन ओलंपियाड में कहते हैं। सिल्वर जोन स्ट्रीम इनोवेशन ओलंपियाड इज द नोबल परसेट इनकरेज ऑफ आवर ब्राइट यूथ टू टेक पार्ट इन काउज दैट इज मच बिगर देन देमसेल्फ और फॉरवर्ड थिंकिंग मूवमेंट ऑफ अचीवर एक्सेलेंट ऑफ द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अर्थात सिल्वर जोन स्टीम इनोवेशन ओलंपियाड में ये चार सेक्शन को फोकस किया गया है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। दिस ओलंपियाड इज ओपन द क्लास थर्ड टू क्लास फोर्थ, क्लास फर्स्ट से टेन तक के बच्चों के लिए यह रहता है। नेशनल स्टेज एंड इंटरनेशनल स्टेज, दो स्टेज पर यह ओलंपियाड होती है। फर्स्ट स्टेज पर कवर करने के बाद ही नेक्स्ट स्टेज में बच्चे जाते हैं। चलिए अब आगे इसमें हम देखते हैं इसके सैंपल पेपर एंड सिलेबस। क्लास फर्स्ट के लिए हमारा सिलेबस तीन सेक्शन है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। साइंस से आपका आ जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल, फूड, एयर, वाटर एंड ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इस फिर से है AI, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यूसेज ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस असेसमेंट विथ लॉजिकल रीजनिंग। एंड नेक्स्ट सेक्शन है मैथमेटिक्स, जिससे आपका हो जाता है नंबर एंड इट्स काउंटिंग, ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मनी, टाइम एंड कैलेंडर, मेजरिंग लेंथ, वेट, वॉल्यूम, आइडेंटिफाई पैटर्न एंड विजुअलाइजिंग शेप। चलिए इससे हम सैंपल पेपर देख लेते हैं। साइंस से सैंपल पेपर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लिविंग थिंग्स में आता है। स्पेक्टर्स, क्लॉक, ग्लास, हिन, हिन इज अ लिविंग थिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है साइंस से ही, आइडेंटिफाई द कोकोनट प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कोकोनट प्लांट हमको आइडेंटिफाई करना है, कौन सा हमारा ये कोकोनट प्लांट है। सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दिस इज द कोकोनट प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम देख लेते हैं। विच लेटर इज प्रेजेंट टेल ऑफ द फिश, इसमें से कौन सा ऐसा लेटर है जो फिश के टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये है आई, माउथ, ग्रिल एंड फिश, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, क्यू। क्यू इज द टेल ऑफ फिश, ये पोर्शन जो है फिश है का टेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, What organ help us breathe in air? कौन सा ऐसा organ है जो air में हमें सांस लेने में मदद करती है? That what organ help us breathe in air? A, B, C and D. So correct answer है option B, lungs is the help breathing air. Next question number, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग से आ जाता है, इससे हम देखेंगे विच आउटपुट डिवाइस इज यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड पेपर, कौन सा ऐसा इसमें आउटपुट डिवाइस है जो हमें, जिस डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर पे जो काम करते हैं वो हमारे पेपर पे आउटपुट के रूप में देखे। तो दिस इज द प्रिंटर, इस ऑप्शन से हम ये ऑप्शन को पेपर पर देख सकते हैं, जो भी काम हम कंप्यूटर पे करते हैं वो काम हम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, Which of the following has inbuilt memory? यहाँ पे कौन memory built करते हैं, कौन से option में? ये हो गया आपका washing machine, AC and computer. So correct answer है option C.
in SEBIM and built-in memory. Next, question number 7. What comes next in the letter series given below? इसमें कौन सा letter है next series में आएगा? M K I G E. So correct answer हो जाएगा option D C. यहाँ पर देखते हैं M और K इस प्रकार यहाँ से series चल रहा है C T E F G H I J K L M. पीछे की तरफ एक एक माइनस होता जा रहा है, वन माइनस हो रहा है, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर. यानी एम माइनस वन के, के माइनस वन एल, एल माइनस वन जी, जी माइनस वन ई और ई माइनस वन सी. व्हाट इज द सिक्स्थ कार फ्रॉम द लेफ्ट एंड? लेफ्ट एंड से सिक्स्थ कार हमारा कौन सा है ये हमें बताना है. चलिए देख लेते हैं. इस तरफ हमारा लेफ्ट हो जाता है, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट. तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन एफ, लेफ्ट से एंड. विच इज द सिक्स्थ कार ऑफ द लेफ्ट एंड? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स नंबर ये हो गया एफ. यहाँ लेफ्ट से सिक्स्थ नंबर पे है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट सेक्शन हमारा हो जाता है मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स से देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर देन 29 बट लेस देन 36? ऐसा नंबर हमें बताना है जो 29 से ग्रेटर हो बस 36 से लोअर हो. तो 36 से लेस 38 नहीं होगा और 29 से बिगर और 36 से लेस. करेक्ट आंसर हो जाएगा 34. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. शरा हैज बॉल मार्बल, ही गिव्स हर फ्रेंड्स मार्बल, तो हाउ मेनी मार्बल्स डज द हैव लेफ्ट विद? अगर शरा ने अपने फ्रेंड्स को इतने मार्बल दे दिए तो उसके पास कितने मार्बल बचे? चलिए यहाँ देखते हैं इसके पास कितने मार्बल हैं. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. शरा के पास सेवन मार्बल्स है, उसने फोर मार्बल्स अपने फ्रेंड को दे दिए, तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? थ्री. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थ्री मार्बल्स शरा के पास बच गए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11. आइडेंटिफाई द क्लॉक विच शोइंग टाइम हाफ पास्ट नाइन. हाफ पास्ट नाइन किस में हो रहा है ये हमें आइडेंटिफाई करना है. यानी साढ़े नौ कितने बज रहे हैं, कौन से क्लॉक में? ऑप्शन डी में 9:30 हो रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट सूट कम्स नेक्स्ट इन पैटर्न? इस पैटर्न में नेक्स्ट क्या आएगा? चलिए देखें, एप्पल मैंगो बनाना, एप्पल ऑरेंज बनाना, एप्पल ऑरेंज बनाना, इस तरह ये सीक्वेंस चल रहा है. तो यहाँ पर फिर हो जाएगा एप्पल ऑरेंज बनाना, तो यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा ऑरेंज. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने के लिए, एग्जाम के पैटर्न समझने के लिए आप हमारे वीडियो पर बने रहें. आज के लिए इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. थैंक यू.